एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेरा बैग है, कोई डस्टबिन नहीं। ओ अच्छा, तुम्हारा बैग है, हमें लगा कोई डस्टबिन है। तो एक काम करो, तुम ये पैसे रखो और इन पैसों से एक नया बैग खरीद लो। हमारी वजह से तुम्हारा बैग जो गंदा हो गया है। मैडम आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। तो तुम भिखारी नहीं है तो और क्या है? अच्छा तो तू घर जाने के लिए पैसे जोड़ रहा है। अच्छा तो तुम्हें घर जाना है, कोई बात नहीं, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। बड़ी ही बदतमीज लड़कियां थी। ये अंगूठी लगता है उन्हीं मैडम की गिरी होगी, मैं उन्हें वापस करके आता हूं। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, मैडम अभी भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने गंदे हाथों से टच करने की? मैडम आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया, मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि। ओ अच्छा, जिस घमंड से तूने पैसे लेने से मना किया था वही पैसे लेने आया ना तू? मैडम पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, आपने बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठा दिया। तो रुक यार, इसे तो मैं बताती हूँ। छोड़ना यार, क्या इन भिखारियों के मुंह लगना, ये तो पैसे के लिए कहीं भी जाते रहते हैं। पैसे चाहिए ना तुझे, ये ले। ओह गुस्सा आ रहा है, क्या करेगा, मारेगा मुझे? कुछ भी नहीं कर सकता तू, समझा? और भाई अभिषेक कैसे हो? बढ़िया भाई, तुम बताओ आज कैसे आना हुआ? बस घर जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। अच्छा तो तुम्हारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए? नहीं अभिषेक भाई, पैसे तो इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन मेरे पास एक ये रिंग है, सोच रहा हूँ इसे बेच दूँ। तुम कितने पैसे दोगे इसके? अच्छा ये रिंग, इसके तो मैं ज्यादा से ज्यादा 5,000 दे सकता हूँ। 5,000? नहीं नहीं अभिषेक भाई, ये रिंग तो बहुत महंगी लग रही है, कम से कम 50,000 की तो होगी। नहीं नहीं भाई, मैं इसके 5,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है भाई, तुम 5,000 दे दो। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, एक गाना और सुना दो। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं अब आपको कोई भी गाना नहीं सुना सकता, मेरे पैसे पूरे हो गए हैं और मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। अरे तुम, पहले तुम्हारा मन नहीं भरा क्या मेरी बेइज्जती करके, जो फिर आ गई हो? देखिए अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं वैसे ही अपने घर जाने में बहुत लेट हो चुका हूँ, तो मुझे जाने दीजिए। अरे भैया रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ पे कोई बेइज्जती करने नहीं आई हूँ। भैया मैं आपके लिए कुछ कपड़े और कुछ खाने का सामान लेके आई थी। खाना और कपड़े? आप ये सब मेरे लिए लेके आए हो? उस दिन तो आपने मुझ पर हाथ उठाया था और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, और आज ये सब, मैं कुछ समझा नहीं। भैया मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और उनकी आखिरी निशानी अंगूठी जो मेरे पास थी वो मुझसे खो गई है। वो रिंग आपकी थी? जी भैया, मेरी माँ की आखिरी निशानी थी वो। ये मैंने क्या कर दिया? मैडम आप ये पकड़ो, मैं 5 मिनट में आया। अरे भैया सुनिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं? अरे अभिषेक भाई आपने वो रिंग बेची तो नहीं? नहीं नहीं मेरे पास ये, क्यों क्या हुआ? वो रिंग मुझे वापस चाहिए, ये लो आप अपने पैसे। कितने हैं ये? वही आपने जो 5,000 रुपए दिए। अबे पागल वागल है क्या तू, बेवकूफ होगा लेकिन मैं नहीं। वो अंगूठी कम से कम 50,000 की है और तूने वो मुझे 5,000 में बेची है, तेरी तरह बेवकूफी मैं नहीं कर सकता। 50,000 लेके आ तो बात करूं, वरना निकल। यार ये तू क्या बोल रहा है, तूने तो ये रिंग मुझसे 5,000 में खरीदी थी ना। तेरे पास 50,000 रुपए हैं तो दे और अंगूठी ले जा। लेकिन तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। एक काम कर, तू मुझे 30,000 रुपए दे और अंगूठी लेके चला जा, है तेरे पास? ये तो सरासर नाइंसाफी है ना यार। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं यहाँ बिजनेस करने के लिए बैठा हूँ, तेरे पास अगर 30,000 रुपए है तो दे वरना निकल। यार ये पैसे तो मैंने घर जाने के लिए इकट्ठा किए थे, लेकिन ये लो भाई 30,000। ये लो मैडम आपकी ये रिंग। अरे
ये रिंग भैया आपके पास कहाँ से आई? मैडम आपको याद है ना, जब आपने मेरे बैग के ऊपर कूड़ा डाला था तो उसी कूड़े के साथ ही रिंग भी वहाँ गिर गई थी, और यही रिंग लौटाने के लिए मैं आपके पीछे आया था, और आपने बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठा दिया था, तो गुस्से में मैंने ये रिंग अपने एक दोस्त को बेच दी थी। जो पैसे मैंने घर जाने के लिए इकट्ठा किए थे वही पैसे देकर मैं ये रिंग वापस लेकर आया। और मैडम मैं कोई घमंडी नहीं, अपनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ। इंसान को कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे आपकी रिंग ऐसे रखनी नहीं चाहिए थी, आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं भैया, आप क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने ही आपको थप्पड़ मारा, और आपके बैग के ऊपर ना ही कूड़ा डालती और ना ही ये रिंग गिरती। और भैया आप नहीं जानते ये रिंग मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और भैया आपने तो सारे पैसे इस रिंग में लगा दिए, अब आप घर कैसे जाएंगे? मैं कुछ दिनों में और पैसे इकट्ठे कर लूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। भैया एक बात बोलूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं आपको घर पहुंचाने में? भैया आपने मुझे रिंग वापस किए, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए आपकी हेल्प करने का। ठीक है मैडम, आप इतना बोल रही हैं तो मैं घर जाने के लिए आपसे पैसे ले लूंगा।